प्रदेश की वित्तीय हालत को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया है। भट्ट का कहना है कि राज्य की वित्तीय हालत खराब है, प्रदेश 407 अरब रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन सरकार वित्तीय मैनेजमेंट में फेल साबित हो रही है। इस समय प्रदेश में वित्तीय हालत बिल्कुल खराब हो गई है और ये वित्तीय मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे हैं। 407 खरब रुपए का कर्जा हो गया है, ये अरब रुपए का, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस समय हर उत्तराखंड वासी लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है। ये स्थिति इस सरकार के कारण हुई है, हमारे समय में इतना कर्जा था ही नहीं। और उधर विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी ओर से अब तक कोई भी चेहरा साफ नहीं किया है। इस पर अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के लिए कई चेहरे हैं। उमा दीदी के बारे में वो खुद भी नहीं चाहेंगी कि वो यहाँ मुख्यमंत्री के लिए आए करके, क्योंकि प्रदेश में एक से एक मुख्यमंत्री के दमदार चेहरे हमारे पास हैं। कांग्रेस के पास तो एक ही चेहरा है, हरीश रावत जी का, उनके पास तो चेहरे हैं ही नहीं, हमारे पास तो कतार है। अगर यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों में चेहरा देना आवश्यक होगा तो केंद्र हमारे